एक्चुअली मेरे प्यारे बंधु मैं आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका पैसा नहीं आ रहा। पैसा ना आने का सबसे बड़ी ये हो सकती है कि आपको एक्चुअली में कंफर्म नॉलेज नहीं है कि आपकी पीएम किसान के स्टेटस में क्या दिक्कत है और दिक्कत अगर है तो उसे कैसे सही कर सकते हैं, आपको इसकी कंप्लीट जानकारी नहीं है। अगर आपको कंप्लीट जानकारी नहीं है तो मैं इसके पहले वीडियो बना चुका हूं कि अगर आपका समस्या क्या हो सकती है, पीएम किसान के स्टेटस पे कैसे आप सही कर सकते हैं और सही करने के बाद आपका पैसा कैसे आएगा। मैं कंप्लीट डिटेल्स इसके पहले जो वीडियो बनाया हूं उस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैं आपको बता दिया हूं। प्यारे बंधु मैं पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि अगर आपका पीएम किसान का पैसा नहीं आ रहा, आप तहसील के चक्कर काटते करते परेशान हो चुके हैं, कृषि कार्यालय पे जाके परेशान हो चुके हैं, लेखपाल या फिर पटवारी के पास जाते जाते परेशान हो चुके हैं। परेशान होने के बाद भी अगर आपका पीएम किसान का पैसा नहीं आता तो आपके लिए एक लास्ट ऑप्शन बचता है, ओनली कंप्लेन यानी ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का मतलब है कि आपको अब शिकायत करना है अधिकारी के पास। ऐसा नहीं आप शिकायत करेंगे तो डायरेक्ट आपके तहसील पे जाएगा, ऐसा नहीं है। आप कंप्लेंट डालेंगे आपका राज्य स्तर पे, जैसे जो शिकायत के कार्यालय होते हैं, जैसे कि मान लो मेरा जो है शिकायत के कार्यालय लखनऊ है तो मेरी जो समस्या है लखनऊ में जाएगा। लखनऊ से क्या होगा, हमारे जे डिस्ट्रिक्ट में आएगा, डिस्ट्रिक्ट में आने के बाद हमारे तहसील पे जाएगा, तहसील पे आने के बाद अधिकारी के पास जाएगा, अधिकारी एक्चुअल में जांच करेंगे और जांच करने का अगर आपका सब कुछ डाटा सही पाया जाएगा तो आपका पीएम किसान का पैसा 100% आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ अगर आपका पीएम किसान का पैसा नहीं आ रहा है, रुक गया है, तो आप कैसे कंप्लेंट डाल सकते हैं, डालने के बाद आपका कैसे चेक होगा स्टेटस और कैसे सही होगा। मैं कंप्लीट प्रक्रिया इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आपको करना है कि अगर आपको अपनी पीएम किसान की वेबसाइट पर विजिट करना है, स्टेटस देखना है, तो सिंपल तरीके से आप अपने मोबाइल में अपना गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। अगर आप अपने लैपटॉप से ट्राई कर रहे हैं तो अपना क्रोम ब्राउज़र या फिर मोजिला ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। तो आपको करना है कि अपने मोबाइल में अपना गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेनी है। अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर कोई डेस्कटॉप है तो अपना क्रोम ब्राउज़र या फिर मोजिला ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। तो जैसे अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे तो आपको लिखना है pmkisan.gov.in। जैसे लिखेंगे डायरेक्ट इसके ऑप्शन वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। तो जैसे इसके ऑप्शन वेबसाइट पर आएंगे तो इसको नीचे आएंगे, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन शो करेगा। अगर आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं सिंपल तरीके से ले सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में आपको ये सब बताने वाला नहीं हो क्योंकि इस पे बताऊंगा तो शायद वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ कि आप स्टेटस कैसे देखेंगे, अगर एक केवाईसी नहीं हो तो केवाईसी कैसे करेंगे, पीएम किसान का पैसा पाने के लिए कैसे आवेदन करेंगे, कैसे अपना सेल्फ स्टेटस देखेंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो सिर्फ इस वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि आप ऑनलाइन कंप्लेन यानी शिकायत कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके से क्या करनी है, आपको अपनी गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेनी है। गूगल ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको लिखना है जनसुनवाई। देख सकते हैं ना हमने लिखा है कुछ इस तरह से जनसुनवाई, तो आप कुछ इस तरह से लिख देंगे और क्या करेंगे आप सर्च पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर जो आपसे वेबसाइट होगी क्या करेंगे आप इस पे क्लिक कर देंगे। तो आप जैसे क्लिक कर देंगे तो जनसुनवाई की जो आपसे वेबसाइट है आपके सामने कुछ इस तरह से शो हो जाएगी। तो क्या करें, थोड़ा स्क्रॉल करके आपको नीचे नहीं और यहाँ पे देख सकते लिखा शिकायत पंजीकृत, तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोगों शो कर, क्या करेंगे आप इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद क्या करेंगे आपको यहाँ पे अपनी सहमति देनी है। सहमति देने के बाद देख सकते हैं लिखा सबमिट करें, तो क्या करेंगे आप सबमिट करे ले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो आप जैसे सबमिट करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन सबमिट वाली जो फॉर्म है आपके सामने शो हो जाएगी। तो क्या करेंगे आपकी जो मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पे टाइप कर देनी है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे जो कैप्चर कोड शो क्या करेंगे वो कैप्चर कोड आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। कैप्चर कोड टाइप करने के बाद एक साथ लिखा है ओटीपी भेजे, तो क्या करनी है आपको ओटीपी भेजे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। मेरे प्यारे मित्र जैसे ओटीपी डाल के आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगी। क्या करनी है सिंपल तरीके से, अगर आपको लगता है कि मैं सामूहिक शिकायत करना चाहता हूँ, सामूहिक का मतलब है कि जैसे आपके घर में 4-5 लोग हैं और 4-5 लोग के नाम से अगर आप शिकायत करना चाहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सामूहिक, तो क्या करेंगे आप इस पे क्लिक करेंगे और इसमें किसी एक आवेदन क्या करेंगे आप नाम टाइप कर देंगे। लेकिन अगर आप स्वयं सिर्फ अकेले ही शिकायत करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करें अगर आप सिंगल शिकायत करना चाहते हैं तो क्या करें आपकी जो नाम है आपको यहाँ पे टाइप कर देनी है। नाम टाइप करने के बाद अगर आप महिला है तो अपने पति का नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो अपने पिताजी का नाम क्या करेंगे आप टाइप कर सकते हैं। तो देख सकते हैं शो कर जेंडर आपका जो भी होगा क्या करेंगे अपने हिसाब से आप चुनाव कर लेंगे। जेंडर का चुनाव करने में पूछ रहे मोबाइल नंबर 2, अगर आपके पास कोई दूसरा नंबर है टाइप करिए, अदरवाइज नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं आपको टाइप करने की। यहाँ पे ऑटोमेटिक आपने जिस मॉल पे ओटीपी मंगाया, ओटीपी डालने के बाद सबमिट पे किया है, वही नंबर आपका क्या है ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इतना डाटा फीड करने के बाद क्या करनी है थोड़ा स्क्रॉल करके आपको नीचे आनी है। तो आप जैसे नीचे अंक लिखा है संदर्भ का प्रकार यानी शिकायत की जो है कितने प्रकार है, देख सकते हैं पहला शो कर रहा है शिकायत का और दूसरा है मांग का और तीसरा है सलाह का और चौथा है अन्य का। तो चलिए मैं बताता हूँ शिकायत क्या होती है, सलाह क्या होती है, मांग क्या होती है और अन्य क्या होती है। प्यारे बंधु अगर आप तहसील का चक्कर काटते करते परेशान हो चुके हैं, लेखपाल अधिकारी यानी किसी भी अधिकारी के पास जाते अगर आप परेशान हो चुके हैं, आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो सिंपल तरीके से आपको शिकायत करना है। ऐसा नहीं है किसी अधिकारी से आपको डरना है, कुछ नहीं डरना है आपको, सिंपल तरीके से आपको शिकायत कर देनी है उस अधिकारी के लिए। तो जैसे आप शिकायत करेंगे तो आपकी जो कंप्लेन है कहीं ना कहीं आपके राज्य स्तर पे जो कंप्लेन की ऑफिशियल कार्यालय होती है वहाँ पे पहुँचती है वहाँ से ज़रूर आपका कुछ ना कुछ सहायता होता है। सहायता होने के बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाता है। तो शिकायत के बारे में आप समझ गए ना कि अगर आप तहसील का चक्कर करते परेशान हो चुके, लेखपाल या फिर किसी अन्य अधिकारी का चक्कर करते करते परेशान हो चुके, नहीं सही हो रहा है, तो आपको यहाँ पे शिकायत कर देनी है। लेकिन अगर आपका सब कुछ सही हो गया लेकिन स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई नहीं हो रही है, तो आपको मांग करना है, यानी मांग करना है कि सर मेरा सब कुछ डाटा सही हो गया, मैं लेखपाल से वेरीफाई करवा लिया हूँ या फिर कृषि कार्यालय पे जाके एप्लीकेशन दे दिया हूँ। अगर आपका नहीं सही हो रहा है तो क्या करनी है, आपको मांग पे क्लिक कर देनी, क्योंकि अधिकारी का इसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं है। अगर अधिकारी नहीं बात सुनते हैं तो आपको शिकायत करनी है। तो मांग आप समझ। तीसरा साला, अगर आपको लगता है कि आपके नाम से जीएसटी है या फिर कोई आईटीआर फिल, या फिर अगर आपके नाम से आईटीआर है या फिर आपकी जो मासिक पेंशन है 10,000 से अधिक, अगर आप कुछ सलाह लेना चाहते हैं कि मैं पीएम किसान का पैसा क्या पा सकता हूँ भविष्य के लिए कि नहीं पा सकता हूँ, अगर आपको सलाह लेनी है तो थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इस तीनों ऑप्शन में से कुछ आपका अन्य है तो आप अन पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपको क्या करनी है, शिकायत करनी है, क्योंकि आप बहुत परेशान हो चुके हैं, आपका पैसा नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, आप शिकायत वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और देख सकते हैं लिखा है विभाग। तो क्या करनी है, इस पर आपको क्लिक करनी है और इसमें स्क्रॉल करके क्या करनी है, थोड़ा स्क्रॉल करके आपको नीचे आनी है और जहां कृषि विभाग लिखा रहेगा आपको क्या करनी है, उस पर क्लिक कर देनी। तो देख सकते हैं लिखा है कृषि विभाग। तो क्या करते हैं, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आपको देख सकते दूसरा शो कर रहा है संदर्भ श्रेणी। तो क्या करनी है, आपको इस पर क्लिक करना है और थोड़ा क्या करनी है, आपको स्क्रॉल करके नीचे आनी है। तो आप जैसे नीचे आएंगे तो सबसे नीचे देख लिखा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित शिकायत। तो क्या करनी है, आपको इस पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो आपको बायोडाटा देनी है, यहाँ पे आपको अपनी देनी है। सिंपल तरीके से लिखना है सेवा में श्रीमान कृषि कार्यालय महोदय, और नीचे लिखना है आपको विषय, यानी विषय जो जैसे मैं मानता हूँ कि आपकी जो लैंड शेडिंग है 9 है, तो विषय में लिखेंगे कि मेरा लैंड शेडिंग 9 है इस कराने के संबंध में। लेकिन अगर आपका सब कुछ सही है, पैसा नहीं आ रहा, तो आपको लिखना है पीएम किसान का पैसा ना मिलने के कारण संबंध में। कुछ इस तरह से लिखेंगे और लिखेंगे महोदय मैं आपको अवगत करा दूं, मेरा पीएम किसान का पैसा 1-2 किस्त आने के बाद रुक गया। या फिर अगर आपका जो भी किस्त होगा अपने हिसाब से आप मेंशन कर देंगे। अगर आपकी लैंड सीरीज 9 है, आपको लिखना है महोदय मैं आपको अवगत करा दूं, मैं लेखपाल से अपना जो है खेत का प्रमाणित करवा लिया हूं, कृषि कार्यालय पे भी सबमिट कर दिया हूं, फिर भी मेरा जो लैंड सीडिंग यस नहीं हो पा रही है। कुछ इस तरह आपके जो भी समस्या ना, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ आपको कुछ इस तरीके से लिख देनी। और आपको लिखना है कि महोदय मेरा मोबाइल नंबर इतना है और आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगी पीएम किसान का, तो क्या करनी है, आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन कर देनी है। मेरा बैंक खाता इतना है, मेरा आधार नंबर इतना है, और यानी अपनी तरफ से अपना पूरा डाटा वहाँ पे दे देंगे। और लास्ट में लिखेंगे महोदय कृपया जो भी मामला है उसका जाँच करिए, जाँच करने के बाद मेरा पीएम किसान का पैसा हमारे अकाउंट में भेजने की कृपा करें। तो क्या करनी है, नीचे आपको अपनी मोबाइल नंबर मेंशन कर देनी है। अगर नहीं मेंशन करेंगे कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे अपनी कंप्लेंट देनी है। सेवा में श्रीमान कृषि कार्यालय महोदय, आपको अपनी विषय लिखनी है और आपकी जो बात वहाँ पे रखनी है कि सर मेरा लैंड सीडिंग 9 है, कृपया इसकी जाँच करिए, जाँच करने के बाद मेरा सही करिए, सही करने के बाद क्या है, मेरा पैसा आना शुरू हो जाए। तो कुछ इस तरह से लिखेंगे और लिखने के बाद क्या करेंगे, आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और जैसे नीचे आएंगे देख सकते हैं लिखा है क्षेत्र। यहाँ पे पहला है ग्रामीण, दूसरा है नगरीय। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। उस वक्त क्या करनी है, इसमें सबसे पहले आपको अपने जिले का चुनाव कर लेनी है। तो जिले का चुनाव करने के बाद आपके पूछ रहा है तहसील, तो क्या करनी है, इस पर क्लिक करना है और आपको जो भी तहसील लगता हो क्या करेंगे, अपने तहसील का चुनाव कर लेंगे। उसका पूछ रहा है विकास करनी, यानी आपका ब्लॉक कौन सा, अपने ब्लॉक का चुनाव कर लेनी है। उसका पूछ रहा है ग्राम पंचायत, क्या करनी है, अपने ग्राम पंचायत के यहाँ पे अपने नाम मेंशन कर देनी है। ग्राम पंचायत का नाम मेंशन करने के बाद आपका जो राजस्व का यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसके बाद क्या करनी है, आपकी जो थाना यहाँ पे आपको मेंशन कर देनी है। थाना मेंशन करने के बाद देख सकते हैं आप लिखा है उपरोक्त, क्या करनी है, आपको इस पर क्लिक कर देनी है। तो जैसे क्लिक करके आपके जो कंप्लीट पता है इस पर और इस पर, यानी दोनों सेम पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन अगर आपका अस्थायी पता और परमानेंट एड्रेस सेम नहीं है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उस वक्त क्या करनी है, थोड़ा स्क्रॉल करके आपको नीचे आनी है और नीचे के आने के बाद अगर आपने इसके पहले शिकायत कोई किया है, अगर आपके पास आवेदन संख्या है तो क्या करेंगे, आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने एक से अधिक बार कंप्लेंट किया है तो अगर आपके पास दूसरा भी नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई नंबर नहीं है तो आपको मेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद लिखा आवेदन एवं संबंधित दस्तावेज अपलोड करें। प्यारे बंधु अब आपको मन डाउट यार मैं कौन सा यहाँ पे दस्तावेज अपलोड करूँ। मैं आपको बता दूँ दस्तावेज आपको ही अपलोड करना है। जैसा कि अगर आपकी लैंड सीडिंग 9 है तो आपको अपनी खतौनी यहाँ पे अपलोड कर देनी है। लेकिन अगर आपका पैसा नहीं आ रहा तो जो पीएम किसान का आप स्टेटस चेक करेंगे उसकी स्टेटस क्या है आपको कॉपी यहाँ पे अपलोड कर देनी है। और साथ ही मैं आपको सजेस्ट करता हूँ अपना आधार कार्ड, पासबुक भी अटैच करके आप अपलोड करें। तो क्या करेंगे, अपना दस्तावेज यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के क्या करेंगे, आप संदर्भ सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पर क्या करेंगे, आप क्लिक कर देंगे। तो आप जैसे संदर्भ सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक शिकायत संख्या जनरेट हो जाएगी। आपके मोबाइल में तुरंत मैसेज भी आ जाएगा कि शिकायत संख्या आपकी है क्या। अब आपको करना क्या है, कम से कम 15 से 20 दिन वेट करना है। वेट करने के बाद पुनः जनसुनवाई पोर्टल पे आपको आनी है और दूसरा ऑप्शन देख लीजिए शिकायत किस, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपकी जो शिकायत संख्या यहाँ पे आपको टाइप कर देनी है। देन आपके जो मोबाइल नंबर है क्या करनी है, आपको यहाँ पे टाइप कर देनी है और कैप्चर कोड जो है यहाँ पे आपको लगा देनी है। कैप्चर कोड लगाने के बाद क्या करनी है, आपको सबमिट करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने। तो जैसे आप सबमिट करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो शिकायत है आपके सामने शो हो जाएगी और वहाँ पे अगर अधिकारी आपकी जांच करके कंप्लेंट रख दिए होंगे तो वहाँ पे शो करेगा कि आपकी जो समस्या है सॉल्व हो चुकी है, आप पीएम किसान का पैसा आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। तो प्यारे बंधु, अगर आप यूपी के निवासी हैं तो जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से आप ग्रीवेंस यानी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी अदर राज्य से आते हैं तो आप देख सकते हैं आप लिखा अदर स्टेट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट यहाँ पे जेपी ग्राम से इस पर क्लिक करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो शिकायत की वेबसाइट है आपके सामने कुछ इस तरह से शो हो जाएगी। प्यारे बंधु, इस वीडियो में सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट के बारे में आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि इसके लिए अगर मैं बताऊँ तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसे अलग तरीके से और डेडिकेट तरीके से मैं आपको बताऊँ। अगर आप यूपी के निवासी हैं या फिर किसी अदर राज्य से भी निवासी हैं तो आप इस पर कंप्लेंट डाल सकते हैं। इस सेंट्रल गवर्नमेंट की कंप्लेंट करने की शिकायत करने की वेबसाइट है, इसके माध्यम से आप जो भी शिकायत करेंगे तो डायरेक्ट केंद्र में जाता है। केंद्र के बाद आपका जो भी समस्या होगी वहां से अपना जांच होता है, जांच करने के बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाता है। प्यारे बंधु, इस वीडियो में सिर्फ आपको मैं जनसुनवाई पोर्टल के बारे में ही बताया हूँ, कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं, मैं कंप्लीट प्रक्रिया आपको बता दी हूँ। लेकिन प्यारे बंधु, मैं आपको बता दूँ अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है या फिर मोबाइल से आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा 1076। तो आपको करना क्या है, सिंपल तरीके से आपको अपने मोबाइल में 1076 डायल करनी है। डायल करने के बाद अधिकारी उधर से आपसे पूछेंगे कि आपकी समस्या है क्या, तो क्या करनी है आपको अपनी समस्या वहाँ पे बता देनी। तो जैसे अपनी समस्या आप बताएंगे तो वहाँ पे शिकायत हो जाएगी। शिकायत होने के बाद जो शिकायत संख्या होगी आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। मैसेज आने के बाद सिंपल तरीके से जनसुनवाई पोर्टल पे आएंगे, जैसे मैं ट्रैक करने का तरीका बताया उसे आप ट्रैक करेंगे। ट्रैक करने के बाद आपकी जो भी समस्या होगी आपके सामने शो हो जाएगी कि साल हुआ कि नहीं हुआ और वहां से बिल्कुल आसान तरीके से आप जानकारी ले सकते हैं कि आपका पीएम किसान का पैसा कितने दिन में आ जाएगा। तो प्यारे बंधु, इस वीडियो में आपको ये जानकारी देनी थी। अगर आप तहसील का चक्कर करते करते परेशान हो चुके हैं, अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो कैसे आप शिकायत करेंगे, मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको वीडियो में बता दिया हूँ। तो प्यारे बंधु, हमें आशा है मैंने आपको जो भी जानकारी दी शायद अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगी तो क्या करिए, वीडियो को लाइक करेगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करेगा और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जैसा मैं जनरेन कर डाला हूँ आपके पास सबसे पहले मैसेज पहुंच जाए। अगर वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन है, सवाल रह गया तो क्या करनी है आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके कन्फ्यूजन को दूर कर सकूं और आपकी जो भी समस्या है उसका निदान करने में आपका पूरा सहायता कर पाऊँ। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं कुछ ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।